राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो, वर्ष 2024 में 11 सितंबर को हम सब मिलकर राधाष्टमी मनाने वाले हैं। और राधाष्टमी के दिन अगर आप ये सारी गलतियां करते हो तो किशोरी जी नाराज़ हो जाएगी। तो वो गलतियां कौन सी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप ये गलतियाँ ना करें और राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। राधा अष्टमी सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जो जन्माष्टमी त्यौहार के 15 दिन बाद आता है। यह दिन भगवान कृष्ण की प्रिय राधा रानी जी को समर्पित है। यह शुभ दिन देवी राधा रानी के जन्म का प्रतीक माना जाता है। भक्त हर साल राधा रानी के जन्मोत्सव को बड़ी भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन को राधा जयंती यानी कि राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो आइए मित्रों, ज़्यादा देर ना लगाते हुए सीधे बात करते हैं कि हमें राधा अष्टमी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो किशोरी जी बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए हमको करना क्या होता है। राधाष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेना शुभ माना जाता है। राधाष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ हैं तो उन्हें मध्यकाल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्यकाल के दौरान पूजा करने के बाद लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत छोड़ सकते हैं। राधाष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित माना गया है। तो भूल कर भी ये काम ना करें, नहीं तो किशोरी जी आपसे नाराज़ हो जाएंगी और आपका सारा व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा। इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी को गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर किशोरी जी का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन देवी को घर का बना हुआ भोग, तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुए, पूड़ी, चना और साथ ही साथ उन्हें सारे जितने भोग आप अपनी तरफ से और लगा सकते हैं वो सारे अच्छे अच्छे भोग जरूर लगाएं। इस दिन राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। राधा जी की पूजा करते समय विभिन्न श्लोक और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करें। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी की बुराई ना करें। और साथ ही अंत में एक ज़रूरी बात, आप जब भोग लगाएं तो राधा रानी को प्रिय है अरबी की सब्ज़ी, तो भोग में अरबी की सब्ज़ी ज़रूर लगाएं। तो देखिए राधा रानी की कैसी कृपा बरसती है। तो बस आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और देखिए राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। कई लोग ऐसे हैं जो राधा रानी का ये जो जन्मोत्सव है वो पहली बार मना रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। तो उन तक ये ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी पूरे सही ढंग से विधिवत पूजा कर सकें। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें।